उद्यान निदेशक डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवीजा के अथक प्रयासों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय उद्यान चौबटिया को डच गवर्नमेंट यानी नीदरलैंड के सहयोग से एक्सीलेंस सेंटर उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के नीदरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा उद्यान का भ्रमण किया गया। इस संबंध में शीघ्र विस्तृत कार्य योजना तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। राजकीय उद्यान चौबटिया में नीदरलैंड से आए वैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रीय काश्तकारों और व्यक्तिगत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से एक्सीलेंस सेंटर बनाने को नीदरलैंड व भारत सरकार के अधिकारियों ने उद्यान का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय काश्तकारों से मुलाकात कर फल पौधे व विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। नीदरलैंड व भारत सरकार की अधिकारियों ने एक्सीलेंस सेंटर से होने वाले कार्यों के बारे में काश्तकारों को अवगत कराया। उद्यान निरीक्षण के दौरान विभाग के अधिकारियों ने सेब, चेरी, खुबानी, नाशपाती, अन्य फलों की नवीनतम प्रजाति के बारे में जानकारी दी। उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर बीके गुप्ता ने बताया कि सेंटर खुलने से हाईटेक पॉली हाउस लैब, टिश्यू कल्चर लैब जैसी सुविधाएं काश्तकारों को मिल सकेंगी। साथ ही किसानों के प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। चौबटिया गार्डन में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना से संबंधित है। इसमें ये डच गवर्नमेंट के सहयोग से प्रस्तावित है। हमारी सरकार द्वारा एक प्रस्ताव सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए डच गवर्नमेंट में सबमिट किया था और उन्होंने इसमें सैद्धांतिक सहमति दे दी है और इसके उपरांत वो उन्होंने अपने कंसल्टेंट्स और भारत सरकार के कंसल्टेंट्स आज उसकी संभावनाओं का पता लगाने और क्या क्या यहाँ बनेगा यहाँ पर आज आए हुए हैं, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के फार्मर्स, उद्यान विभाग के अधिकारियों और इंटरप्रेन्योर्स जो हमारे प्रोसेसिंग के हैं उनसे विचार विमर्श किया है और इसके बाद अब ये हमारे फार्म्स का विजिट करेंगे। यहाँ पर जो है सॉइल टेस्टिंग लैब, टिश्यू कल्चर लैब, हाईटेक पॉली हाउसेस, हाईटेक नर्सरी की स्थापना एवं ट्रेनिंग सेंटर की एक स्थापना होनी है इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत और इससे हमारे फार्मर्स को गुणवत्ता युक्त पौधे यहाँ प्राप्त होंगे। किसानों को प्रशिक्षण के लिए इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर एक प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की जाएगी जिसमें हमारे सभी किसानों को यहाँ प्रशिक्षित किया जा सकेगा।